बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट जूलॉजी लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल पार्ट सेकेंड वर्टिब्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसकी यूनिट सेकेंड और जिसका सिलेबस जो कवर्ड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्ट ए में 4 नंबर का, पार्ट बी में 5 नंबर का और पार्ट सी का 7.5 नंबर का। पार्ट ए में क्वेश्चन को 50 वर्ड्स में लिखना है, पार्ट बी में जो 5 मार्क्स का है उसे 100 वर्ड्स में या 100 से ज्यादा वर्ड्स में हमें लिखना है, और पार्ट जो सी है उसमें हमें 300 से ज्यादा शब्दों में हमें अध्ययन करना है। आज का जो हमारा सिलेबस है जीजीटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है कैरेक्टर फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज आफ्टर बर्थ, पाइसिस का जो क्लासिफिकेशन है उसके सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी और साथ ही इसके वर्गीकरण के बारे में पता करना है, एंड एम्फीबिया अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल, एम्फीबिशियस देयर आर बायोडायवर्सिटी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन। सेकेंड हमको जो पढ़ना है वो हमारा एम्फीबिया का जो क्लासिफिकेशन है उसकी हमको ऑर्डर तक बात करनी है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारी है टाइप स्टडी स्प्लोरॉन फिश माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर। आज का हमारा एजेंडा है फिश माइग्रेशन, जिसके तहत हमें इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप होते हैं और किस किस प्रकार से हैं उसके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइग्रेशन कौन कौन सी जातियां हैं जो कि फिश माइग्रेट करती हैं, कॉज ऑफ फिश माइग्रेशन क्या कारण है, किस कारण से मछलियां माइग्रेट होती हैं, स्पीड ऑफ माइग्रेशन किस गति से मछलियां प्रवर्तन करती हैं, उसका सारांश देखना है और उसका संदर्भ रेफरेंसेस जो जो हमने बुक्स ली है उसके बारे में देखना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन से। आज का एजेंडा हमारा पहला हमारा फर्स्ट बात करें हम इंट्रोडक्शन की, विषय को जानने के लिए हम सबसे पहले बात करें कि फिश माइग्रेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो हम बात करें कि यह सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी दैनिक जो क्रियाएं होती हैं भोजन के लिए या रोटी कपड़ा मकान के लिए, कोई भी जीव पृथ्वी पर है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी रूप में परिवर्तन या स्थानांतरण करना जरूरी है क्योंकि उसे जीना है। हम जो विषय देख रहे हैं उसमें फिश माइग्रेशन या मछली प्रवर्तन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो माइग्रेशन क्या है सबसे पहले हम इस वर्ड को जाने। माइग्रेशन जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो माइग्रेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माइग्रेन। और इसके बारे में हम देखें कि ये माइग्रेन है क्या, लैटिन भाषा में इसका और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में देखना है, तो उसके लिए बता सकते हैं हम इसे स्थान पर। सबसे पहले इसको बारे में बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कोहेन नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1970 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने बताया कि सेम स्पीसीज सेम टाइम इक्वल माइग्रेट। ऐसी एक समान जातियां जो एक ही समय में क्या करें,
स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। कोहेन ने दो शब्द दिए, एमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, उसको किस प्रकार से समझा देखिए ये फ्लो चार्ट के माध्यम से। जब फिश अपने घर से भोजन की तलाश में प्लस ब्रीडिंग की ओर जाती है, जब मछली अपने घर से भोजन व प्रजनन के लिए जाती है तो इस प्रकार जो होने वाली प्रक्रिया है उसे एमिग्रेशन के नाम से जाना जाता है, इसे एमिग्रेशन कहते हैं। पर जब मछली भोजन करके या ब्रीडिंग करके वापस अपने घर की ओर लौटती है तो इस प्रक्रिया को हम इमिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चर्चा बताने वाले वैज्ञानिक थे कोहेन, जिसको हम पीपीटी की स्लाइड्स पर भी देख सकते हैं। द वर्ड माइग्रेशन हैज बीन डिवाइडेड फ्रॉम इन लैटिन मीनिंग टू गो फ्रॉम द प्लेस टू अनादर और द ट्रैवल एंड यूज टू रिप्रेजेंट लॉन्ग जर्नी। माइग्रेशन जो शब्द का शब्दकोश से लिया गया है, ये ग्रीक शब्दकोश है जिसका अर्थ माइग्रेन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना एवं लंबी यात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसको बताने वाले वैज्ञानिक जो कोहेन थे उसके बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, हमारा है टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन, माइग्रेशन किस प्रकार का होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये बेसिकली इसके दो आधार बताए गए हुए, फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन हैबिट। ये तो हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया आपके आवास के आधार। तो सबसे पहले हम देखें कि दिशा के आधार पर जो है वो दो प्रकार से है, दिशा के आधार पर। पहला इसमें हम देखें पॉइंट ए लैटिट्यूडनल माइग्रेशन एंड वर्टिकल माइग्रेशन। उदग्र और अक्षांश। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि अक्षांशीय जो प्रवसन है हमारा या लैटिट्यूडनल माइग्रेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो जब फिश नॉर्थ से साउथ की ओर गमन करती है या साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जब मछलियां इस प्रकार माइग्रेशन करती है तो उसे हम लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय प्रवसन कहते हैं। वर्टिकल माइग्रेशन की बात करें तो हम वर्टिकल के लिए बात करें तो पृथ्वी का अधिकतर भूभाग हम देखें
आधे से ज्यादा भूभाग हमारे पास समुद्र है। तो समुद्र के पास जो किनारे हैं, वहां से 12 किलोमीटर दूर जहां मछलियां रहती है, वो जो प्रतिदिन उनकी जो दैनिक क्रिया है वहां माइग्रेशन करती है। तो उस प्रकार से जो माइग्रेशन होता है उसे वर्टिकल माइग्रेशन करती है। यह होता है अप टू बॉटम, या बॉटम टू अप, ऊपर से नीचे की ओर, या ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मछलियां अपने दैनिक क्रियाओं के लिए स्थान परिवर्तन करती है। तो इसको दिशा का आधार मानते हुए इसके दो प्रकार है। नेक्स्ट हम बात करें बेस्ड ऑन हैबिट। आवाज के आधार पर हम देखें तो यह चार प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑसिनोड्रोमा की। हिंदी में हम समुद्र गामी, ऑसिनोड्रोमा या समुद्र गामी के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि समुद्र गामी जो हमारा माइग्रेशन है आवाज के आधार पर, तो उसमें मछलियां समुद्र की ओर ही स्थान परिवर्तन करती है। जब मछलियां अपने भोजन के लिए या प्रजनन के लिए लंबी दूरी तय करती है तो उसे हम कौन सा माइग्रेशन कहते हैं, उसे ऑसिनोड्रोमस या समुद्रगामी कहते हैं। तो इसमें हम एक की पॉइंट याद कर सकते हैं एम टू एम, मेराइन टू मेराइन। समुद्र से समुद्र की किसके लिए? ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए। इसका एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मछलियां हैं, ट्यूना है, मैक्रेल्स हैं, हेरिंग्स हैं। तो इनके कुछ जो ये फिश मेराइन वाली है उसका हम बेसिक एक स्ट्रक्चर देखकर देखें तो ये मछलियां इस प्रकार की दिखाई देती है। ये ट्यूना है और इसकी जो फिन्स है वो चंद्राकार रूप में पाए जाते हैं। सी वाटर की जितनी भी फिशेज होगी उनके बेसिकली हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो फिन्स है वो कैसे होंगी, कांटे के समान या त्रिभुजाकार रूप में या चंद्राकार रूप में आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट इसकी फिश की स्पीसीज है या एग्जाम्पल की बात करें तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैक्रेल्स का। मैक्रेल्स की जो ऊपर वाली बॉडी होती है थोड़ा सा वेरिएशन होता है, फोर स्पाइन पीछे की ओर और जबरा कर्लिंग बॉडी पाई जाती है ऊपर की तरफ। सफेद और काली पट्टी जैसा इसमें कलरिंग ऊपर की ओर जो होता है वो मैक्रेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो ये हमारा एग्जांपल भी है ऑसिनोड्रोमस की ट्यूना, मैक्रेल्स, हेरिंग और उसके बारे में हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट है आवाज के आधार पर Potem okuma।
सरिगामी बेसिकली डेफिनेशन देखें इसकी हम तो हैप्पी फिश या मछलियां जो अपनी लंबी दूरी तय करने के लिए भोजन एवं प्रजनन के लिए स्थान परिवर्तन करती है। तो ये कहां से कहां तो ये जाती है आपका फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर इसका की पॉइंट्स है एफ टू एफ और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जो लोग मछली खाते हैं उसको अच्छे से जानते हैं हमारे यहाँ पर कि तीन प्रकार की मछलियां बेसिकली हमारे इंडियन मेजर कार्प के नाम से जानी जाती है जो इसका बेस्ट एग्जांपल है आईएमसी के नाम से इंडियन मेजर कार्प और इसके तीन मछलियां जो आती हैं बेसिकली हमारी कतला रोहू एंड मृगला हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जाने के लिए क्या है फ्रेश वाटर फिश है स्वच्छ जल से स्वच्छ जल की और ही भोजन और प्रजनन के लिए गमन करती है तो हम इसकी जो डायग्रामेटिक है एकदम इजी वे में जो आप एग्जाम में बना सकते हैं देखते हैं कतला जो फिश है वो बेसिकली आपके कतला इसका साइंटिफिक नेम कतला कतला इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बॉडी के ऊपर जो पाए जाने वाले स्केल्स हैं वो साइज में बड़े होंगे जो इनके शल्क हैं वो साइज में बड़े हैं और इनका जो लीफ है जो इनके हॉट है वो अफ्रीकन पीपल की तरह दिखाई देते हैं और ये जो जल है या तालाब जो है हमारे पास जो स्वच्छ जल का है उसके सबसे ऊपर की तरफ रहने वाली मछली है। सेकेंड बात करें हम इसकी रोहू इसका कलर हम देखें तो रेडिश रेड कलर का कलरिंग होता है इसके छोटे होते हैं ये बीच में रहती है मीडियम फिगर है और ये इसका जो शेप होता है वो अंडाकार या ओवल शेप का होता है और ये मृगला है ये बॉटम फीडर में रहती है नीचे तली में रहती है इसलिए इसका जो बैली रीजन है वो एकदम चपटा होता है इसका रंग जो होता है हरित पीला लिए होता है और ये तीनों मछलियां एक ही तालाब में पाली जा सकती है ये तीनों मछलियां प्योरस होती है साथ ही ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती पर ये अपने स्थान परिवर्तन करती है ठीक है तो ये एग्जाम्पल है किसके सरिगामी के
या पॉलीमेट्रोमस के नेक्स्ट बात करेंगे। कैटाडर्मा समुद्र बिलामी की पॉइंट CFM सीने क्या सुना FM को सुना, इससे आप याद रख सकते हैं कैटाडर्मा को। मतलब इसकी जब डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो ऐसी फिशेज जो अपने भोजन और प्रजनन के लिए कहां से कहां की ओर जाना है, ये की पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा। एफ टू एम मतलब फ्रेश वाटर टू मैरिन वाटर, ऐसी मछलियां जो अपने कहां से फ्रेश वाटर से कहां जा रही है मैराइन वाटर की ओर जा रही है। तो ऐसी मछलियों के हमारे पास जो एग्जांपल है वो है आपके पास एंगुला वल्गैरिस एंड एंगुला एंगुला, जिसको हम बेसिकली हम जाने तो ये दोनों ईल के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों के बारे में हम जो देख रहे हैं इनके बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे आइडेंटिफाई, हमारे पास दो प्रकार की ईल थे, एक है यूरोपियन ईल और दूसरी है हमारे पास अमेरिकन ईल। इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखिए, यह हमारी अमेरिकन ईल है जिसका आगे से माउथ पतला इस प्रकार से दिखाई देता है। और हम देख रहे हैं यूरोपियन ईल के बारे में तो अंतर इतना है कि इसकी जो आगे का स्नाउट है वो इस प्रकार से उभरा हुआ है। ये हमारी जो है वो है हमारे पास यूरोपियन। ये कैटाडोमस के एग्जांपल है हमारे पास जो फ्रेश वाटर से कहा जाती है मैराइन वाटर की हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाडोमा समुद्र उपगामी की पॉइंट से इसका FM, FAMF ठीक है। उसके बारे में हमें देखना है जब फिशेज अपनी लंबी यात्रा के दौरान या भोजन प्रजनन के लिए कहां से कहां की ओर मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जाए। तो इस प्रकार का जो प्रवसन होता है उसे हम एनाडोमस कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास हैं सालमन। सालमन को हम देखें बेसिकली और सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हिल्सा। दोनों का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, सबसे ज्यादा हमारे भोजन के रूप में। फिशेज को हम बात करें तो फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और बेस्ट हमारी जो फिश देख रहे हैं उसमें सालमन हिल्सा का विशेष महत्व रहा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि कतला कतला की, तो हिंदू मान्यता के अनुसार कतला वैदिक पुराणों में भोज्य के रूप में सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका हमारा उसके बारे में जो उल्लेख है वैदिक पुराणों में भी दिया गया है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं
वो हमारा सालमोन हिंसा के बारे में है। तो सालमोन और हिंसा जो है हमारे, वो देखे बेसिकली हम लोग, तो सालमोन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम लोग। ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली मछली है और इसकी जो फ्लैश है और इसके ब्रेन से हम ओमेगा 3 निकालते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी होता है। और हम बात करें भारत में यह नीलगिरी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है, ठंडे प्रदेशों में सबसे ज्यादा होने वाली मछलियां हैं। बाकी आप देखें विश्व भर में इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं सालमन की, और ये बसंत ऋतु में समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर मूव करती है ये मछलियां, इसीलिए हम इसकी जो चर्चा कर रहे हैं। इस बसंत ऋतु में हम बात करें इसका और बेस्ट एग्जांपल है जब भालू गुफाओं में से बाहर निकलते हैं तो जो फ्रेश वाटर है वहां पर भालू बैठे रहते हैं और ये धारा की विपरीत दिशा की ओर गमन करने वाली मछलियां, जब ये धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो वो उनका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात जो हम कर रहे हैं वो हमारी हिंसा की है। इस मछली का नाम बॉलीवुड में बहुत ही फेमस हुआ है, हमारी कुछ बॉलीवुड की मूवी है उनमें सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया है और इसे हाईलाइट भी किया गया है, जैसे मिस्टर धोनी है और ऐसी जो मूवियां हैं उनमें सबसे ज्यादा बताया है। ये मछली जो है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के किनारे जहां डेल्टा के क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती है। इसकी हिस्ट्री के लिए कुछ बताएं आपको कि हमारी सबसे बड़ी भारत की जो नदी है वो है गंगा, और गंगा जो है उसका ओरिजिन है वो शिव की जटाओं से होता है। तो शिव की जो जटाएं हैं वो है हमारे पास केदारनाथ पर, तो केदारनाथ के ऊपर जितने भी हमारा हिमालय जो पर्वत है वहां से जो बर्फ पिघलता है और वो पानी कहां यमुनोत्री गंगोत्री अलकनंदा से होता हुआ ऋषिकेश हरिद्वार वाराणसी और वहां से वो जाता है कोलकाता की हावड़ा ब्रिज से निकलता हुआ, जो कोलकाता के नीचे हावड़ा ब्रिज है उस नदी का जो नाम है वो है हुगली, और ये हुगली पश्चिम बंगाल की जननी मानी जाती है और ये जो जाती है बे ऑफ बंगाल जिसको आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यहां से इसका ओरिजिन है, यहां से होती हुई ये नदी यहां जाती है वेस्ट बंगाल की ओर, और ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है। तो यहां पर एक रीजन बनता है ऐसा टाइगर श्रेप जहां से फ्रेश वाटर आता है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं जहां पर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है और वहां पर सुंदरबन वहां के जो टाइगर फ्रेमस है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो ये जो फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर है और इससे के खाने से ब्रेन शार्प होता है। आप देखते हैं कि जो बंगाली हैं या बंगाली जितने भी हैं हमारे रविन्द्रनाथ जी टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, ठीक है, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये जो हिल्सा है इसका साइंटिफिक नेम हम देखें तो हिल्सा इल्सा, इसके बारे में जो कि हमारे इस एनाडोमस का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जिसको हमने पीपीटी के स्लाइड पर भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश माइग्रेशन
कौन कौन सी जातियां हैं जो हमारे यहाँ पर प्रवर्तन का कारण बनी है और उसके लिए हमारे पास कुछ लोकल नेम और साइंटिफिक नेम भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉड, जिसका साइंटिफिक नेम है गॉडस मोरेरा। इसका बैली रीजन बड़ा होता है और इस पर डॉटेड डॉटेड जो है पॉइंट वो आपका आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। ये मेराइन फिश है। नेक्स्ट हेरिंग, जिसका साइंटिफिक नेम क्लूपियस हेरिंगस, ठीक है। ये आकार में छोटी मछली होती है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो सिल्वर कलर का होता है। नेक्स्ट मैक्रेल, जिसको हमने चर्चा की थी बोर्ड पर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्कॉम्बर। इसके ऊपरी वाले रीजन पर जेब्रा कलर, जो जेब्रा की जेब्रा लाइन होती है व्हाइट ब्लैक वैसी डिजाइन बनी होती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पीछे की तरफ चार कंटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट ट्यूना, ट्यूना, ठीक है, सी फिशेज है, समुद्र में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है और इसका अधिकतर सबसे ज्यादा भोजन इसका किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरसी प्लूरोहेक्टर प्लेटेसा, ठीक है, ये समुद्र की बॉटम फीडर पर रहती है, रंग परिवर्तन करती है, भ्रमित करने वाली मछली है। एंगुला एंगुला यूरोपियन इल, ठीक है, सांप की तरह दिखाई देने वाली, कम पानी में रहती है। हिल्सा, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका नाम हिल्सा एलिसा, साइंटिफिक नेम। शॉवर्ड फिश जूनिपस ग्लैडस, इसका स्नाउट आगे तीखा और ये साइज में लंबी होती है। इसकी जो फिन्स है पीछे की लंबाई और जिस तरह का इसका बॉडी शेप है ये सबसे ज्यादा गति तय करती है। नेक्स्ट आपकी है सालमोन, साइंटिफिक नेम जो है सालमोन स्पीसीज बहुत सारी है। लोकल नेम ईल, जिसका आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये आपकी अमेरिकन है। और लास्ट आती है स्टेकल थ्री, स्टेकल पैंट स्टेकल बैक फिश। इसके बारे में हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, आइए। श्री कंटक के नाम से जानी जाने वाली ये मछली पैरेंटल केयर का सबसे अच्छा तथा स्टेकल बैक फिश में हम जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को जानते हैं, प्रजनन व्यवहार को जानते हैं, इथियोलॉजी की बात करेंगे हम प्राणी व्यवहारिकी में, तो बस एग्जांपल है इसका थ्री कंटक का। थ्री कंटक मछली जो है वो क्या करती है, नर जो होते हैं इसके वो अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं और इनमें इनके ग्रुप में या इनके परिवार में स्कोलिंग होता है। स्कोलिंग का मतलब हम बताएं आपको कि हजारों मछलियां एक ग्रुप में या एक झुंड में आपस में कहीं पर भी जाना हो या भोजन के लिए वो घूमती है, ठीक है। उसमें से कुछ मेल या कुछ नर जिसको प्रजनन करना है वो वहां से अलग निकलकर पहले घोंसला बनाते हैं और घोंसला बनाने के बाद अपने हार्मोन को चेंज करने के पश्चात वो यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका जो आई वाला पार्ट है वो और ये बेली रीजन वाला पार्ट है अपने कलर को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जब स्कूलिंग कर रही जो फिशेज हैं उसमें से कुछ मछलियां जो मादा फीमेल फिशेज हैं वो इसको देखती है और ग्रुप से बाहर निकल आती है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये उसको रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए उसको आमंत्रित करता है। तो ये स्टेकल बैक फिश है और ये भी माइग्रेट करती है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमने अभी डिफरेंट जो स्पीसीज देखी माइग्रेशन की वो
वो विभिन्न प्रकार की हमारे पास स्पीशीज आप पिक्चर्स में, आप पीपीटी के पिक्चर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करेंगे हमारा कॉज ऑफ फिश माइग्रेशन, ठीक है। क्या कारण है मछली प्रवासन के, मछलियां क्यों प्रवासन कर रही हैं, उसके क्या क्या कारण है, तो उसके बारे में देखना है। बेसिकली यहां पर हम देखें नॉर्मल सबसे पहला हमारे पास है सेक्सुअल मैच्योरिटी, यौन परिपक्वता, अंडे देती हैं तो अंडों को सुरक्षित रहें ऐसे स्थान पर दिए जाएं जिसके लिए ये यौन परिपक्वता को दर्शाती है। इंसेंसिटी स्वाभाविक, ये जन्मजात गुण होता है और जन्मजात गुण होने के कारण मछलियां प्रवासन करती हैं। सैक्रोफिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी, भोजन की कमी होने पर भी मछलियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करती हैं। साथ ही फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर की बात करें जो भौतिक कारक हैं जैसे हमारे पास लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर करंट है, सैलिनिटी है, टर्बिडिटी है, तो इनके कारण भी मछलियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन कर सकती है, जिसको हमने फ्लो चार्ट पीपीटी के माध्यम से भी दर्शाया गया है, देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी है, हार्मोन्स है, इंसेसिटी है, सेक्रेटरी ऑफ फूड है, पिटिटर्स हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी बात की। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट स्पीड ऑफ फिश माइग्रेशन, प्रवासन की गति क्या है। तो बेसिकली हम बात करें कि प्रवासन की जो गति है वो मछली की कितनी लंबाई है उसके आधार पर ज्ञात की जाती है। माना कि कोई मछली बारह इंच की, जितने इंच है उसमें हम तीन समय का मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मछली प्रवर्तन की जो गति है या स्पीड है उसका पता लगा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्क्लूजन, कंक्लूजन के लिए हम देख रहे हैं सारांश जो इसका है, सारांश प्रकृति में सबसे अच्छा उदाहरण है माइग्रेशन का, जिसमें यह माइग्रेशन फिश में नहीं पक्षियों में भी देखा जा सकता है। ठीक है,
तो प्रकृति में जीने के लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना है इसको प्रकृति ने, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेफरेंसेस, जिसमें हमने किस बुक से, किस लेखक के द्वारा और किस पब्लिकेशन ने दिया है। तो सबसे पहला हमारा है ए टेक्स्ट बुक ऑफ पॉडेट, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर अरुमंगा और जिसका पब्लिकेशन है सारस पब्लिकेशन। सेकंड, फिश एंड फिशीज, लेखक है पांडे एंड शुक्ला, रस्तोगी पब्लिकेशन से। और जो अंतिम पुस्तक है वो हमारी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिशीज, एस एस खन्ना, सिल्वर लाइन पब्लिकेशन से। थैंक यू।